गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से एजुकेशन अब के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है उर्दू के प्रत्यय। हमने प्रत्यय के तीन पार्ट पढ़ लिए, फोर्थ पार्ट है उर्दू के प्रत्यय। उर्दू के प्रत्यय, उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय भी क्या करने लगे, प्रयोग में आने लगे। कि लंबे समय जो उर्दू भाषा है उसका संबंध हिंदी भाषा के साथ लंबे समय से चलता आ रहा है, इसलिए जो उर्दू भाषा के प्रत्यय हैं वो भी हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं जो उर्दू भाषा के प्रत्यय हैं कौन कौन से हैं, जैसे गी गर ची दार और गा। जैसे हम इनके देखते हैं, जैसे घी है ताजा के ताज घी, सादगी बानगी। घर है जैसे जादूगर बाजीगर सौदागर। ची है नकलची टोपची बावर्ची। ठीक दार हवलदार तहसीलदार ऐसे खोर आदम खोर हराम खोर ये आदम खोर हराम खोर चुगल खोर ठीक है। गार हो गए जैसे मददगार गुनहगार नामा नामा से हुमायूं नामा बाबर नामा बाज बाज से धोखेबाज दगाबाज नशेबाज ठीक है। बाज प्रत्यय के और इससे आगे अब देखो अकलमंद जरूरतमंद मंद के बाद है बाद औरंगाबाद बाद के इंदा इंदा से होता है शर्मिंदा
परिंदा परिंदा इससे हो गया साजिश सारे किसके हैं इस प्रत्यय के उदाहरण हैं गहा ईद गहा दर गहा चारा गहा ये सब गहा प्रत्यय के उदाहरण हैं। इसके बाद गीर गीर से आलमगीर राहगीर आना नजराना दोस्ताना ये क्या आदि क्या हैं उर्दू भाषा के क्या हैं प्रत्यय हैं। इंसानियत आत्मियत ये ईयत प्रत्यय के उदाहरण है शौकीन रंगीन कार से सब कार जानकार लेखाकार दान से दान से खानदान अभ्यदान दीपदान दान से कमरबंद नजरबंद ये सारे जो प्रत्यय हैं ये कौन से हैं ये उर्दू के प्रत्यय हैं। उर्दू के प्रत्यय हिंदी भाषा में जो उपसर्ग है उर्दू के उपसर्ग भी हिंदी भाषा में काम में आते हैं और उर्दू के प्रत्यय भी हिंदी भाषा में काम में आते हैं क्योंकि हिंदी भाषा का जो उर्दू भाषा के साथ लंबे समय से क्या है मिलन है या प्रचलन है लंबे समय तक ये आपस में संबंध रखते हैं इसलिए हिंदी भाषा के उर्दू भाषा के जो प्रत्यय उपसर्ग हैं वो हिंदी भाषा में भी काम में आते हैं। जो उर्दू भाषा के प्रत्यय हैं मंगलवार इस इंद आ गहागीर आना इन कारदान बंद उसके पहले गी गर ची दार ठीक है ये सारे किसमें काम में आते हैं हिंदी भाषा में भी काम में आते हैं। ठीक है आज के लिए इतना ही कल हम पढ़ेंगे अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे विराम चिन्ह। थैंक आज के लिए इतना ही काफी है धन्यवाद।